असलामुअलैकुम तलवार, आप लोग घर पर बहुत महफूज भी होंगे और बहुत खुश भी होंगे और बहुत मज़ा कर रहे होंगे। तो आज हम फिर जो हैं आपके सामने एक नया लेसन जो है वो लेकर हाजिर हैं। मैं आपके सामने फिर एक नया लेसन लेकर हाजिर हूँ। आज मैं जो है आपको पढ़ाने के लिए जो जा रही हूँ वो हमारे पास है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब यानी हिस्सा शायरी से जो है वो हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को पढ़ेंगे। मिर्ज़ा गालिब आपके लिए एक तरह से बिल्कुल नया नाम है। इससे पहले आपने मीर तकी मीर और मीर दर्द की गज़लियात जो थी वो क्लास ही में जो थी वो मुताला कर ली थी, लेकिन हमारे इसमें जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो है वो भी हमारे निसाब में शामिल है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कौन हैं। उनका हम पहले मुख्तसर सा तारुफ जान लेते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का जो तारुफ है वो क्या है। तो उनका तारुफ में असदुल्ला उनका नाम था, यानी असदुल्ला खान जो था उनका नाम था, और गालिब वो तखल्लुस करते थे। पहले जो है वो असद के नाम से तखल्लुस करते थे, लेकिन फिर एक और शायर जो थे वो भी असद के नाम से तखल्लुस करते थे। इस बिना पर गालिब ने अपना तखल्लुस जो था वो असद से तब्दील करके जो था वो गालिब कर लिया। गालिब जो हैं वो आगरा में जो है वो 1797 में पैदा हुए। 5 बरस के थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की। गालिब इब्तिदा ही से बाशऊर और ज़हीन थे, इसीलिए उन्हें फ़ारसी पर अबूर हासिल हो गया, क्योंकि पुराने ज़माने में फ़ारसी और अरबी की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, और वो लोग जो के फ़ारसी और अरबी को सीखते थे और इस पर अबूर हासिल करते थे उनको एक ख़ास मकाम हासिल होता था। तो यही कुछ जो है वो गालिब के साथ, यानी गालिब को जो है वो भी इब्तदाई से यानी फ़ारसी ज़बान पर पूरा अबूर हासिल था। अब जब हम शायर की बात करते हैं तो हमेशा शायर का मकाम और मर्तबा जो है वो उर्दू अदब में देखा जाता है कि यानी शायर का मकाम और मर्तबा जो है वो उर्दू अदब में क्या है, उन्हें किस मकाम से याद किया जाता है, वो किस मकाम पर फाइज हैं। तो गालिब का जो मकाम है, गालिब जो है वो जिद्दत पसंद है, यानी उनको जिद्दत पसंद है। जिद्दत कहते हैं नयापन, नई चीज़। ठीक है, और इनफरादियत या मुनफरिद लहजे का लहजा जो है वो उनको अजीम बनाता है। इनफरादियत अलग होना, ठीक है, मुनफरिद भी उसी से निकला है। इनफरादियत कहते हैं अलग होने को, एक होने को, मुनफरिद होने का मतलब भी यही है कि एक होना। यानी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो गालिब को जदीद भी बनाती हैं, यानी वो जिद्दत पसंद भी थे और वो अपना अलग अंदाज भी रखते थे। फिर इनका जो तर्ज बयान है वो दिल फरेब भी है। दिल फरेब का मतलब यानी ऐसा है जो दिल को बहुत भाता है, जो बहुत अच्छा मालूम होता है। इसके अलावा उनके अंदाज में रंगा रंगी है। रंगा रंगी का मतलब क्या होता है, मतलब तरह तरह का, एक तरह का, एक तरह की चीज़ नहीं है, बस में उसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। फिर उनका कलाम जो है वो गहराई रखता है। हमें और किसी शायर के यहाँ इतनी गहराई नज़र नहीं आएगी जितने हमें गालिब के कलाम में जो है वो गहराई नज़र आती है। देखिए, वैसे तो गालिब की खसूसियात वही हो सकती हैं तर्ज़ तहरीर की या उनके कलाम की जो कि दीगर शुरा की हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए उन खसूसियात का इंतखाब किया है ख़ास तौर पर जो गालिब दीगर शुरा से अलग ज़ाहिर करती हैं, और इसी वजह से गालिब का जो मकाम है, जो उनकी हैसियत है उर्दू अदब में, वो इनफरादी है या वो मुनफरिद है। यानी उनके मकाम तक आज गालिब जो है कोई और नहीं पैदा हुआ। शायर तो बहुत पैदा हुए, ठीक है, लेकिन गालिब जो है वो सब पर गालिब है। बल्कि ये कहा जाता है कि गालिब जो हैं वो उर्दू अदब के एक ऐसे शायर हैं जिनका गलबा जो है वो
लंबे अरसे तक या हमेशा ही रहेगा, यानी ये इनसे गलबा कोई छीनने वाला अब तक जो है वो पैदा नहीं हुआ। यानी मारिफ का मकाम और हैसियत उनकी अपनी ही मकाम और हैसियत है। अब हमने पहले गालिब का इब्तदाई तारुफ जो है उससे हमने इस्तेफादा हासिल किया कि गालिब कौन थे, उनका नाम क्या था, वो कहाँ पैदा हुए। उसके बाद हम ने गालिब के मुकाम और हैसियत का अंदाज़ा लगाया। अब हम उनकी शायरी की खसूसियात से आगाही हासिल करते हैं कि उनके कलाम में क्या खसूसियात जो हैं वो शामिल हैं। तो पहली उनकी जो बड़ी खसूसियत है जो उन्हें दीगर शौरा से अपने दौर में भी और बाद में भी मुनफरद करती है, वो है फ़लसफियाना अंदाज। गालिब वो पहले शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी में फ़लसफियाना ख्यालात और अफकार को पेश किया। यानी गालिब ने सबसे पहले जो है वो गज़ल को दिमाग से यानी दिमाग अता किया। यानी इससे पहले गज़ल दिल रखती थी लेकिन गालिब ने उसे दिमाग अता किया। इसी बिना पर गालिब जो हैं वो उन्होंने यानी जो शायरी है उसको फ़लसफ़े के नज़र से देखा, यानी एक फ़लसफ़ी की नज़र से देखा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गालिब ने ज़िंदगी के हकायक को फ़लसफियाना अंदाज में देखा और जांचा और उसे शायरी की सूरत में जो है वो पेश किया। और इसी बिना पर गालिब को क्या कहते हैं, पहले फ़लसफ़ी शायर। यानी गालिब की जब हम खसूसियत का हवाला देते हैं कि गालिब किस हवाले से उर्दू अदब में मशहूर हैं, लेकिन कोई अपने ख़िताब की बिना पर मशहूर होता है और कोई अपनी खसूसियत की बिना पर। तो गालिब की खसूसियत यह है कि इन्होंने पहली बार फ़लसफ़े का आगाज़ किया, पहली बार यानी ये पहले फ़लसफ़ी शायर कहना है। उसके बाद हम इनकी दूसरी जो है उस खसूसियत की जानिब चलते हैं, शायराना खसूसियत जिद्दत पसंदी। जिद्दत पसंदी का मैंने ज़िक्र जो था वो उनके मकाम और हैसियत में भी किया था। गालिब के जो सिर्फ ख्यालात और मजामीन हैं वही उन्हीं में जिद्दत नहीं पाई जाती। यानी हमने ये बात की थी कि गालिब के ख्यालात में जिद्दत है, गालिब के मजामीन में जिद्दत है, बल्कि उनकी तरकीब, इस्तेआरात, तशबीहात और असलूब में भी जिद्दत नज़र आती है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि शायरी का लाजमी हिस्सा है, तरकीब, इस्तेआरा, तशबीहात और उसलूब के बगैर कोई शायरी भी जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो गालिब हमें हर जगह जिद्दत पसंद नज़र आते हैं। यानी उन्होंने न सिर्फ ख्यालात में बल्कि मजामीन में भी जो है वो जिद्दत पैदा की है और जिद्दत ही के अंदाज़ में, जदीद अंदाज ही में अपने ख्यालात को मुख्तलिफ इस्तेआरात और मुख्तलिफ तशबीहात से जो है वो पेश किया। इसी बिना पर वो जिद्दत पसंद क्या है। तो गालिब की खसूसियात का जो है वो यानी लम्हा लम्हा जायज़ा ले रहे हैं। अब हम उनकी दूसरी बड़ी खसूसियत जो कि गालिब को दीगर शौरा से न सिर्फ अपने दौर में बल्कि मौजूदा दौर में भी और हर आने वाले दौर में भी जो है वो मुनफरद करार देती है, वो खसूसियत शौकी व ज़राफ़त। गालिब ने जिस तरह से फ़लसफ़े को पहली बार जो है वो गज़ल में पेश किया, बिल्कुल इसी तरह शौकी व ज़राफ़त को पहली बार शायरी में पेश किया। यहाँ सिर्फ मैं उनका एक शेर आपके सामने पेश कर रही हूँ ताकि आप अंदाज़ा कर सकें, वैसे तो उनके बहुत सारे शेर हमें मिलेंगे। दिल को मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि गालिब ने कितनी खूबसूरती के साथ कितने हल्के फुल्के अंदाज में जो है वो शौकी और ज़राफ़त से काम लिया। यही गालिब की यानी ये गालिब की इंफरादियत है। फिर गालिब की जो अगली शायराना खसूसियत है वो है रिवायत शिकनी, रिवायत शिकन, रिवायत शिकन। शिकन कहते हैं तोड़ना, किसी चीज़ को ख़त्म करना या तोड़ना। गालिब परसुदा रिवायात और ख़यालात के कायल ना थे, इसीलिए इनकी शायरी में रिवायती अंदाज या लहजे को भी उन्होंने अख्तियार नहीं किया। यानी ना तो उन्होंने शायरी में रिवायती अंदाज को अपनाया और ना ही इस लहजे को इख्तियार किया।
उनके ख्यालात भी जो हैं वो जद्दत पसंद हैं, और उनके उन्होंने जो है वो नई रिवायात को जो है वो शायरी में पेश किया। यहाँ सिर्फ एक शेर से अंदाज़ा किया जा सकता है कि गालिब किस हद तक जो हैं वो फरसूदा ख्यालात से अपना दामन बचाते हैं। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर में था। यानी अब इस शेर से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि गालिब के ख्यालात जो थे उसमें कितनी जिद्दत थी, और वो पुराने और फरसूदा ख्यालात को किस हद तक जो है वो बुरा समझते थे। इसी बिना पर जो है वो नई चीज़ को हमेशा अपनी शायरी में पेश करते। उसके बाद उनकी अगली खसूसियत जो कि उन्हें दीगर शौरा से अलग करती है वो है तसव्वुर इश्क। तसव्वुर इश्क का जो यानी ख्याल है वो हमें वैसे तो हर शायर की शायराना खसूसियात में मिलता है, लेकिन गालिब जो है वो इश्क और मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात को भी और एहसास को भी इतने हल्के पुल के अंदाज में पेश करते कि वो बातों ही में इसको बयान कर जाते। यानी इजहार इश्क में नफसियाती गहराई और सदाकत मिलती है। गालिब की एक बड़ी खसूसियत यह है कि उन्होंने अगर इजहार इश्क भी किया है तो उसे भी जो है इंसानी नफसियात के मुताबिक पेश किया है, और उसमें गहराई भी है और उसके अंदर सदाकत यानी सच्चाई भी है। तो इस लिहाज से गालिब का तसव्वुर इश्क जो है वो उन्हें दीगर शौरा से अलग ज़ाहिर करता है कि वो इश्क और मोहब्बत को कोई तकलीफ़ का बायस नहीं समझते, कोई परेशानी का बायस नहीं समझते जैसे दीगर शौरा समझते, बल्कि खूबसूरत जो ये जज्बा है इस जज्बे को उन्होंने बड़े ही लतीफ़ और खूबसूरत अंदाज में जो है वो हल्के फुल्के अंदाज में पेश कर दिया है। और यही गालिब की खसूसियत का जो है वो यानी यही उनकी कामयाबी का बयान सबूत है। फिर उनकी दीगर जो खसूसियत है जो उन्हें दीगर शौरा से अलग करती है वो है इंसानी नफ्सियात। नफ्सियात जो है वो हर इंसान की अलहदा है, और नफ्सियात का ताल्लुक इंसान के साथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जिस्म का ताल्लुक रूह के साथ। यानी इंसान जब जिस तरह से जिस्म और रूह से मिलकर इंसान तश्कील पाता है, इसी तरह नफ्सियात के बगैर भी इंसान जो है वो इंसान नहीं। हर इंसान अपनी नफ्सियात रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंसान होने की हैसियत से एक जैसी नज़र आती हैं। यानी एक इंसान किस तरह से जो है वो यानी उस पर अपना रद्द अमल देता है, किसी कैफियत पर, किसी जज्बे पर किस तरह उसको पेश करता है। ये इसी वजह से गालिब की शायरी में जो हमें गहराई नज़र आती है वो इसी बिना पर है कि उन्होंने सिर्फ अपने दिल की बात नहीं की बल्कि उन्होंने सारे इंसानों की बात की। अगर दिल की बात भी की तो वो इस अंदाज में की है कि वो यानी इंसानी नफ्सियात ही के नज़दीक रहे, वो किसी और मखलूक की बात नहीं होगी। इसीलिए गालिब सिर्फ मौजूदा दौर के शायर नहीं, ना ही सिर्फ माजी के शायर थे, बल्कि हर दौर और हर तबके के शायर हैं। गालिब जो हैं आज के दौर के शायर भी हैं, आने वाले दौर के भी शायर हैं, और गालिब का किसी मखसूस तबके से भी ताल्लुक़ नहीं, बल्कि उन्होंने हर इंसान की बात की, इसलिए वो जो हैं हर दौर के शायर बन गए। अब एक शेर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से इंसानी नफ्सियात को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। यानी कितनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जो है वो फितरत इंसानी को बयान कर दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि देखें वैसे तो मैंने आपको बताया कि गालिब की खसूसियात कलाम या शायराना खसूसियात जो हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ उन चंद खसूसियात का अहाता किया जिनकी बिना पर गालिब दीगर शौरा से अलग हैसियत के हामिल हैं। तो अब साथ ही साथ जिस तरह हम दीगर मुसन्निफ़ीन और शौरा का एतराफ़ अज़मत देखते हैं, इसी तरह हम ये देख लेते हैं कि गालिब के मुताल्लिक़ जो है वो दीगर शौरा या मुसन्निफ़ीन या नाक़दीन क्या कहते हैं, उनकी राय जो है, उनकी शायराना खसूसियत
यानी गालिब की शायराना खसूसियत को किस तरह बयान किया। तो पहले हमारे पास हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि अहद मुगलिया ने हिंदुस्तान को तीन चीज़ें अता की, ताजमहल, उर्दू और गालिब। यानी इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि अहद मुगलिया जो गुजरा, यानी बादशाहों का दौर जो था, उसने हिंदुस्तान को तीन अजीम चीज़ों से यानी सरफराज किया, जिसमें ताजमहल जो मशहूर है, उर्दू ज़बान, हमारी उर्दू ज़बान जो आज भी जिंदा और ताबिंदा है, और मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की राय थी। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी की क्या राय है। डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी की राय भी जो है वो गालिब के मुतालिक जो है वो मुस्तनद मानी जाती है। और वो क्या है कि दीवान गालिब हिंदुस्तान की इल्हामी किताब है। यानी डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी कहते हैं कि हिंदुस्तान की दो जो है वो इल्हामी या मजहबी किताबें हैं, एक जो है मुकद्दस वीद और दूसरी दीवान गालिब। तो इससे आप मिर्ज़ा गालिब की जो है वो अजमत का अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर हमारे पास तीसरे मुसन्निफ आ रहे हैं आले अहमद सरूर। आले अहमद सरूर कहते हैं कि उर्दू गज़ल में गालिब एक नया ख्याल, एक नया गोशा और एक नया शऊर। यानी उर्दू गज़ल में गालिब ने न सिर्फ ख्याल नया पेश किया बल्कि एक नया अंदाज और एक नया शऊर या नई आगही से जो है वो दुनिया को वाकफियत दी। तो तलबा, आज हमने गालिब की उन खसूसियात शायरी का जो है जायज़ा लिया जो उन्हें दीगर शुरा से मुनफरिद करती हैं, और उसके साथ ही साथ हमने अपने यानी जो हमारा बयान था उसको हमने मोतबर बनाने के लिए मुख्तलिफ शुरा और मुसनफिन की आरा से भी इस्तेफादा हासिल किया। अब ये सारी जो कोशिश थी वो सिर्फ आप जो हैं वो अपनी निसाब में मौजूद पहली गज़ल का मुताला करें जो हमारी किताब में पहली गज़ल है। लेकिन जब गज़ल आपको पढ़ाई जाए तो बराए मेहरबानी उसको अपने सामने किताब में खोल के भी रखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसका शेर नंबर एक देख लेते हैं कि क्या है। शेर नंबर एक है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। बार का मतलब होता है पूरी होना। ठीक है, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। देखें जिस तरह हम लोग तशरीह करते हैं, तशरीह का तरीका तो आपको याद ही होगा ना। मैं फिर एक दफ़ा आपको याद करा देती हूँ कि जब हम हवाला देते हैं शेर का तो हम किस तरह देखते हैं। हम हेडिंग डालते हैं हवाला और हम लिखते हैं कि दर्जा वाला शेर जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल से लिया गया या शामिल निसाब जो गज़ल मिर्ज़ा गालिब की है उससे ये शेर जो है वो अख़्ज़ किया गया है या निकाला गया या लिया गया है। अब आ जाते हैं इसकी तशरीह की जाने। बड़ा खूबसूरत शेर और बड़ी खूबसूरत इसकी तशरीह है। देखें, कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। यानी इंसान बाज़ औक़ात इतनी मुश्किलों और परेशानियों में घिर जाता है कि उसे अपनी ख्वाहिश या अपनी कहना चाहिए कि जो ज़रूरत है उसकी तकमील किसी सूरत नज़र नहीं आती। यानी ये भी इंसानी फितरत है। मैंने आपको कहा था ना कि गालिब जो है इंसानी फितरत के और इंसानी नफसियात के माहिर हैं। तो कि इंसान की फितरत है कि वो अपनी ख्वाहिशात और आर्ज़ुओं की तस्कीन चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी आर्ज़ुएं और उसकी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें पूरा किया जाए। वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी आर्ज़ुओं को पूरा करना चाहता है, मगर ये भी हकीकत है कि हर ख्वाहिश की तकमील मुमकिन नहीं। ना तो हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है और ना ही उसे पूरा करने के लिए जो है वो कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद है। अब गालिब बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं इसी ख्याल को सामने रखते हुए कि ये मेरा हाल है कि कोई मेरी आरज़ू और कोई मेरी मुराद जो है वो पूरी नहीं होती, कोई मुझे पूरी होती हुई नज़र नहीं आती और ना ही इसकी तकमील की कोई शक्ल नज़र आती है। यानी कैसे मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये मेरी बदकस्मती है कि मैं कोशिश के बावजूद अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता। देखिए, हम ख्वाहिश रखते हैं, हम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई ना कोई अमल करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन
ख्वाहिश का पूरा होना या ना होना जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है या फिर दुआ कर सकता है, लेकिन उसकी तकमील होना जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में। तो यहाँ एक तरह से गालिब ने इंसानी फितरत को बयान किया, इंसानी फितरत को मौजू बनाया। जी तो तलमा मैं आपको ये बता रही थी कि अब हम इनका शेर दूसरा देख लेते हैं कि इन्होंने दूसरे शेर में क्या कहा है। दूसरा शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बड़ा खूबसूरत और मायने खेज शेर है। अगर देखा जाए तो इस शेर में बड़े वसी और ईस जो है वो मायने हैं, यानी इंसान जो है वो ज़िंदगी की मुश्किलात से, परेशानियों से और दुखों से जब परेशान हो जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं वो थक जाता है, तो वो मौत की आरज़ू करता है और ये चाहता है और ये समझता है कि अगर मुझे मौत आ गई तो जो ज़िंदगी की तकलीफ़ और परेशानियां हैं जो वैसे मुझसे यानी नहीं जा रही, नहीं आ रही, लेकिन अगर मौत आ जाएगी तो मुझे इन परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने जो है रात और दिन बनाने के लिए भी अल्लाह ताला ने दो तरह के यानी रात और दिन बनाए। रात का मतलब है कि हम आराम करें, सारा दिन हम काम करते हैं, सारा दिन अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाया और रात आराम के लिए बनाई, लेकिन दिन भर की थकन रात की पुरसकून नींद से ख़त्म हो जाती है। यानी जो अगर इंसान ने सारा दिन जो है वो काम में, मेहनत में, तकलीफ़ में गुजारा, तो जब रात आती है तो वो इस पर इत्मीनान रखता है कि वो जब सोएगा तो उसे उसकी सारी थकन, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। यहाँ रात और दिन जो है बड़े वसी मायने रखता है। गम और दुख जो है वो ज़िंदगी के दिन काटे हैं और ऐसे मुझको ज़िंदगी से ज़्यादा मौत में तस्कीन महसूस होती है, शायर ये कहते हैं। लेकिन मतलब देखें इसका, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, रात नींद क्यों नहीं आती, यानी अल्लाह ताला ने मौत का दिन हर इंसान के लिए मुकर्रर फरमाया है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। जब हम इस हकीकत से वाकिफ़ हैं तो इसका मतलब ये है कि हर नफ्स को जब मौत का ज़ायक़ा चखना है तो उसको अपनी मर्ज़ी से मौत नहीं आएगी, मौत आएगी ज़रूर। उसका अल्लाह ताला ने दिन, वक्त और कह लीजिए कि लम्हात जो हैं वो पहले से मुकर्रर फरमा दिए हैं, लेकिन इससे इंसान को जो है वो बिल्कुल ही लाइल्म रखा है। यानी मौत तो आनी बरहक है, या ये कह लीजिए कि ज़िंदगी सबसे बड़ी हकीकत नाम मौत है, लेकिन ज़िंदगी में इंसान को इतनी परेशानियाँ, बाज़ औक़ात इतनी तकलीफ़ मिलती हैं कि वो ये समझता है यानी कि अगर मुझे इन परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है, वो मौत है। और कुछ ऐसे भी बेवकूफ़ होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा अपने हाथों कर देते हैं, यानी खुदकुशी कर लेते हैं, और वो समझते हैं कि मौत क्योंकि आ नहीं रही, तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, तो इन तकलीफ़ों से निजात के लिए हमें अब खुदकुशी कर लेना चाहिए। तो ये वो बुज़दिल लोग होते हैं, और वो लोग होते हैं जो कि इस बात पर यकीन नहीं रखते कि जो हालात हैं वो तब्दील होंगे। बेशक ये वो लोग होते हैं या वो तकलीफ़ इंसान की होती हैं जो कि बज़ाहिर हमारी जो सोच है, हमारी जो अक़ल है, हमारी जो समझ है, वो एक हद तक है। उसके बाद इंसान ये सोचता है कि अब इन तकलीफ़ों से निजात जो है क्योंकि नहीं मिल रही, तो इसलिए जो है वो मौत की आरज़ू करने लगता है, वो मौत का ख्वाहिशमंद हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर गालिब जो हैं, गालिब ने अगरचा इसको इश्क की मुश्किलात या परेशानियाँ कह लीजिए उससे जो है उसके बारे में बताया है, लेकिन यहाँ सिर्फ इश्क की मुराद नहीं, क्योंकि देखें गालिब की अगर हम बात करते हैं तो गालिब के अशार में हमें सबसे ज़्यादा गहराई नज़र आती है। गालिब ने सतही बात नहीं की, बल्कि जो बात भी की है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ की है। तो यहाँ भी गालिब ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ज़िंदगी की तकलीफ़ से निजात और दुखों से, दुखों की जब इंतहा हो गई तो मैंने मौत की ख्वाहिश की। लेकिन मौत की ख्वाहिश से होता क्या है, क्योंकि मौत तो अपने वक्त मुकर्रर पर आएगी, मगर जो रात की बेचैनी है, यानी रात जो कि आराम के लिए, सुकून के लिए बनाई गई है, उस रात में मैं पूरी बेचैन रहता हूँ, उसको आप इश्क की परेशानी कह लीजिए, उसे हम अपने रोज़ाना की, रोज़मर्रा की जो हमें मुश्किलात और परेशानियाँ मिलती हैं उन्हें कह सकते हैं। तो उससे यानी इंसान निजात के लिए जो है वो पूरी रात जागता रहता है, वो सोचता रहता है वो अब क्या करे, अब क्या ना करे, तो उसे रात भर नींद नहीं आती, जबकि वो इस हकीकत पर
पूरी तरह यकीन रखता है कि मौत आनी है और मौत का एक दिन मुकरर है, लेकिन वो मौत का दिन वही नहीं होगा जिस दिन इंसान सोच रहा है या जब वो ये चाह रहा है कि अब मुझे जो है वो मौत आ जाए, तो ये यानी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है यहाँ बड़े खूबसूरत अंदाज में गालिब ने इस शेर नंबर 2 में जो है वो उसको समझाया है कि मौत का एक दिन मुकरर है, लेकिन मौत जो है वो अपने वक्त पर ही जो है वो इंसान